ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाय को लेकर दिए गए बयान पर जवाब दिया है। ओवैसी ने कहा कि जब गाय के नाम पर लोग मारे जाते हैं तब पीएम के कान खड़े होने चाहिए, जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है तब पीएम के कान खड़े होने चाहिए। दरअसल मथुरा में पीएम मोदी ने बुधवार को कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो गाय का नाम सुनते हैं और उनके बाल खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने मथुरा में कहा, हमारे देश में कुछ लोगों के कान पर अगर ओम या गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा कहने वालों ने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे देश में पशुधन काफी बड़ी बात है, इसके बिना अर्थव्यवस्था गांव कुछ नहीं चला सकता। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। तो मैं प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहा हूं कि इस मुल्क में हमारी कानों में यकीनन वो जो कह रहे हैं वो भी सुनते हैं, हिंदुस्तानियों के कानों में अजां की आवाज़ भी आती है, हिंदुस्तानी के कानों में गुरुद्वारा से भी आवाज़ें हम सुनते हैं, एक हिंदुस्तानी अपने कानों से गिरजाघर के घंटे भी सुनता है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सिर्फ ये कहना कि भाई एक ही सुनकर किसी के कान खड़े हो आते, हम प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि कान उस वक्त खड़े होने चाहिए आपके जब गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री के कान उस वक्त खड़े होने चाहिए जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और हम हमारे वजीर आज़म से उम्मीद करते हैं कि वो जब संविधान में राइट टू लाइफ लिखा गया है, चाहे वो तबरेज़ हो या पीलू खान हो या अखलाक हो, उस वक्त प्रधानमंत्री का पीएम का एंटीना खड़े होना चाहिए कि भाई मेरे देश में ये क्या हुआ।